दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही बढ़िया क्रीमी आलू की करी, बहुत टेस्टी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आधा बाउल दही लिया है, उसे मैंने बहुत अच्छे से फेंट के रखा है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, तो एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और एक चौथाई चम्मच गरम मसाला लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मसाले पूरी तरह से दही में मिक्स हो जाए। इस तरह से बढ़िया सा मिक्स करके इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम एक बाउल में पानी लेंगे और उसमें कम से कम 10 से 15 काजू थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। इसका हमें अच्छे से फाइन पेस्ट तैयार करना है। अब मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, छोटे साइज़ के मैंने आलू लिए, उन्हें हमने 2 से 3 विसल लगा के बॉईल कर दिया है। इनका छिलका हटा देते हैं और मैंने इसे 2 भाग में काट दिया है, आधा आधा आलू साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखा है। पैन में हमने ऑयल ले लिया है, आलू को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। अब इसमें हमें कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक आलू को हम फ्राई करेंगे। जैसे ही आलू का कलर चेंज होने लगे और हल्का सा गोल्डन हो जाए आप इन्हें निकाल लें। ये देखिए गोल्डन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। पैन में से एक्सेस ऑयल निकाल लें और 1 से 1.5 टेबलस्पून आप ऑयल रहने दें। अब इसमें खड़े मसाले डाले हैं मैंने, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची और साथ ही साथ आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है, उसे अच्छे से भून लेंगे। धीमी आंच पे ही हमें मसाले भूनने हैं। जैसे ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट अच्छे से भून जाएगा, हमने जो दही बना के रखा है मसाले वाला, वो दही हम इसमें ऐड कर देंगे। धीमी आंच पे इसे हम अच्छे से चलाएंगे ताकि हमारा दही फटे नहीं और बढ़िया ऑयल छोड़े, तब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये ऑयल छोड़ने लग गया है। अब इसमें हमने जो काजू का पेस्ट तैयार करके रखा है वो ऐड कर देंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे। धीमी आंच पे हमें इसे भूनना है। आप इसे चलाते रहिए क्योंकि काजू डालते ही नीचे चिपकने का डर रहता है, तो आप इसे कंटिन्यू चलाते रहिए ताकि ये नीचे चिपके ना, और जैसे हमारा काजू अच्छे से भून जाएगा ये चिपकना बंद कर देगा और ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा। अब हम इसमें 20 ग्राम बटर का टुकड़ा ऐड कर देंगे। अब इस बटर में हम इस मसाले को भूनेंगे अच्छे से ताकि ये बहुत ही बढ़िया, इसका जो टेक्सचर है एकदम जैसा मैंने आपसे कहा क्रीमी टेक्सचर। देखिए जैसे ही बटर पिघलने लगा, धीरे धीरे हमारा जो मसाला है वो क्रीमी टेक्सचर बन रहा है, एकदम क्रीमी ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, ये हमारा जो काजू पेस्ट तैयार किया था वही पानी मैंने थोड़ा ऐड किया है, तो आधा कप ऑल टुगेदर मैंने ऐड किया है। अच्छे से इसे मिक्स करें। अब नमक स्वाद के अनुसार डाल दें आप, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दें। अच्छे से इसे मिक्स करें और इसके बाद जो हमने आलू फ्राई करके रखे हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करें और फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक के इसे पकने देंगे धीमी आंच पे। ये देखिए हमारी ग्रेवी एकदम बढ़िया क्रीमी ग्रेवी, जो मैंने आपसे कहा एकदम बढ़िया क्रीमी ग्रेवी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी अच्छे से ऑयल छोड़ रही है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फ्राई किया हुआ प्याज, अच्छे से गोल्डन कलर का प्याज फ्राई करके रखा है उसे डाल दिया, और साथ ही साथ मैंने 2 टेबलस्पून इसमें फ्रेश क्रीम डाल दी है। अब इसे मिक्स कर दें और बस हमारी जो क्रीमी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। थोड़े से कटे हुए हरे धनिया के साथ इसे हम गार्निश कर देंगे। बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनी है, बहुत एकदम परफेक्ट, जैसा रेस्टोरेंट में मिलती है उसी तरह की क्रीमी ग्रेवी बनके तैयार है दोस्तों। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आलू की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनी है।